जब इसे जाने का मन करता है, ऐसा लगता है कि परिवार का कोई अपना एक हिस्सा जो है आपसे दूर हो रहा है, बस अटैचमेंट हो जाती है। और एक्चुअली थैंक्स टू विपुल एंड हिज फैमिली, मेरी कनेक्टिविटी गणपति जी के साथ और बढ़ी है पास्ट 3 इयर्स, और हम दोनों हमेशा रोते हैं व्हेन वी सी गणपति जी। कभी कभी परिवार में, ये तो ऑब्वियस है, आपके परिवार का कोई सबसे अहम हिस्सा जो है वो थोड़े दिन के लिए आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको दिल से बहुत और मैंने हम सबसे वादा किया कि अगले साल आप लोगों को दुगनी खुशी दूंगा और खुशखबरी भी सुनाऊंगा। छोड़ कर गए लेकिन पापा बोले गणपति बापा मोरिया पूछा वर्षी मोरिया, अगले साल दोबारा बापा आए और सब लोगों को समृद्धि दे, धरती को शांति दे। ये बहुत अच्छा लगा, ये मतलब ये डेढ़ दो दिन बड़े बड़े सुंदर जीवन के बीतने में मैं बड़ा आनंद पापा से उनकी सेवा में लगा रहा, क्योंकि मैं शिव भक्त तो मैं कहीं उनके उनके पुत्र की सेवा में कोई त्रुटि कर कमी ना है, तो मेरा ध्यान बड़ा उस पर था, दिन रात सोए नहीं लेकिन पूरा पूरी ताकत झोंक देते हैं उनकी सेवा में। मैंने अच्छी सेहत सृष्टि के लिए मांगी, धरती के और सदबुद्धि मांगी लोग, ताकि यहाँ पर जानवरों जैसा व्यवहार ना करें, बलात्कार चीटिंग फ्रॉड ना करें, लोग सम्मान करें और मानवता में रहें। ये अच्छी सेहत और सदबुद्धि सबके लिए मांगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।